इसको स्कूल क्यों बोलते हो, ज़ॉम्बीलैंड क्यों नहीं बोलते? मतलब सच्ची में इतने ज़ॉम्बीज तो पूरे शहर में नहीं थे, जितने ज़ॉम्बीज अकेले ये ह्योसन हाई स्कूल में थे। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे 10 दिन पहले रिलीज हुई वेब सीरीज़ हम सब मर चुके हैं के बारे में। और मुझको ये भी शूट करने में 10 दिन क्यों लग गए, ये मैंने पहले बता रखा है, जाकर देख लेना। तो बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो एक कहानी है ली बेयोंग चैन नाम के एक साइंस टीचर की, जिसके बेटे को रोज स्कूल में कुछ बच्चे टीज करते रहते हैं, और इस चीज से परेशान आके वो एक सीरम बनाता है जिसको वो अपने बेटे के अंदर डालता है ताकि उसका बेटा स्ट्रांग बन जाए। पर इसका उल्टा असर होता है और उसका बेटा बन जाता है एक जॉम्बी, और वो अपनी माँ को भी काट लेता है, जिससे उसकी वाइफ और उसका बेटा दोनों जॉम्बीज बन जाते हैं। फिर जिस चूहे के ऊपर उस साइंटिस्ट ने उस सीरम को टेस्ट करा होता है, वो चूहा काट देता है लड़की को। फिर बस आप समझ सकते हैं, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और फिर इनफाइनाइट। और इस तरह से ये वायरस पूरे शहर में फैल जाता है और गिनती के 50 लोग बचते हैं, 10 जो हमारे स्कूल के मेन हीरोज हैं, जो स्कूल के बच्चे दिखाए हैं, और बाकी कुछ पुलिस ऑफिसर्स और कुछ सोल्जर्स। और फिर बस वो 10 बच्चे कैसे अपने स्कूल में सर्वाइव करते हैं, कैसे वहां से बाहर निकलते हैं, और कैसे सारे पुलिस वाले उन सबको बचाते हैं, और कैसे कुछ पॉलिटिशियंस इस सब कांड के अंदर भी अपना फायदा निकालते हैं, ये सबको दिखाया गया सीरीज के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, ये सीरीज आपको 0.00001% डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपने ट्रेन टू बुसान, पेनिनसुला, शॉन ऑफ द डेड ये सब देखी हैं, तो आपको ये सीरीज भी बहुत बहुत पसंद आएगी। इस सीरीज के सीन्स, इस सीरीज के VFX, सिनेमाटोग्राफी, क्या मैं तारीफ करूँ, इतने जबरदस्त। जिस तरह से उन सब जॉम्बीज को दिखाया गया, जिस तरह से वो नॉर्मल ह्यूमन से ट्रांसफॉर्म होते हैं जॉम्बीज के अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स, वो जॉम्बीज का मेकअप, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। इस सीरीज की कास्टिंग, इस फिल्म का सिनेमाटोग्राफी, लोकेशंस, VFX, मेकअप आर्टिस्ट का काम, इस सीरीज का BGM, ये सब चीज एकदम टॉप नॉच है। और अगर आप मेरे कहने का मतलब नहीं समझे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी के अभी जाकर इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज के 12 एपिसोड हैं, 1-1 घंटे से ऊपर के, और सच में अगर एक बार सीरीज देखने बैठ गए तो आप इस सीरीज को बिना खत्म करे उठोगे नहीं। और इस सीरीज में इस ज़ॉम्बीनेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फैमिली ड्रामा, इमोशनल सीन्स, दोस्ती, एकता में ताकत और लव ट्राइंगल। जैसे कि चौंगसान प्यार करता है ओंजू से, ओंजू प्यार करती है सुहक से, सुहक प्यार करता है नामरा से, और नामरा वो तो किसी से प्यार ही नहीं करती। और इस फिल्म के अंदर इस लव ट्रायंगल के अलावा जो उन 10 दोस्तों के आपस में बॉन्डिंग दिखाई है कि किस तरह से वो हर तरह का साथ में सामना करते हैं और सबको बचाते हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं मानते कि सेक्रीफाइस मैं करूँगा, वो ये कहते हैं कि सेक्रीफाइस कोई भी नहीं करेगा, हम सब इस मुसीबत का साथ में सामना करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, वो सब बच्चे हैं, वो सब स्कूलमेट्स हैं, तो जब जब उनके सीन दिखाए गए हैं साथ में, तो कॉमेडी तो भर भर के है सीरीज में। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक स्कूल में हजारों ज़ॉम्बीज आ गए हैं, तो आप जो कुछ भी सोचेंगे, ये सीरीज ठीक वही काम करती है, बल्कि उससे भी 3-4 काम ज़्यादा करती है सीरीज। हम अपने मन में ज़ॉम्बीज को लेकर जो कुछ भी भयानक से भयानक चीज़ें सोच सकते हैं, इस सीरीज में वो हर एक चीज़ दिखाई गई है। जैसे कि ज़ॉम्बीज का आना, लोगों को काटना, गर्दन पे काटना, जगह जगह काटना, उनके पेट चीर कर उनकी आंतें खा जाना, इतने गंदे गंदे सीन है सीरीज के अंदर कि आप उल्टी कर दोगे। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कमज़ोर दिल वाले लोग इस सीरीज से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। और आप जानते हो कि मैं अपनी वीडियोस में बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करता, और इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि मुझको सीरीज स्क्विड गेम से ज़्यादा अच्छी लगी। और इस सीरीज में डायलॉग है जो मुझको पर्सनली बहुत बहुत अच्छा लगा, और वो एक ऐसा डायलॉग है जिस पे हम घंटों बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं, और वो डायलॉग ये है, होप इज द बिगेस्ट टॉर्चर डेट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गिविंग अप योर लाइफ। इसका मतलब यह है कि उम्मीद सबसे बड़ी टॉर्चर है जो हमको अपनी जिंदगी कुर्बान करने से, जो हमको मरने से रोकती है, और ये बात 100% ट्रू है। पर इन सब तारीफों के बाद क्या ये सीरीज परफेक्ट है? नहीं, ये सीरीज परफेक्ट नहीं है, क्योंकि भाई देखो, परफेक्ट तो इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। इस सीरीज में भी कुछ फ्लॉज हैं, बट वो इतने बड़े फ्लॉज भी नहीं है कि सीरीज के एक्सपीरियंस को रुइन करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इतनी छोटी मोटी कमियां हैं कि आप उनको नज़रअंदाज करके आराम से सीरीज का लुत्फ उठा सकते हो। जैसे कि कहीं कहीं कुछ कुछ एपिसोड में ऐसे सीन्स हैं जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, अगर वो सीन कट जाते तब भी हमको सीरीज देखने में मज़ा आता। और जो लोग फिल्मों को, सीरीज को पूरा दिमाग लगा के देखते हैं कि सीरीज में ये कैसे हुआ, इस सीन में ये कैसे हुआ, उनको तो ये सीरीज़
बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह ये है कि लोग बोलेंगे अरे ये बच्चे बच कैसे गए, ये बच्चे तो हर बार बचे जा रहे हैं। तो भाइयों देखो, इस सीरीज में वो बच्चे ऐसे ही नहीं बचते बार बार, एक प्रॉपर तरीका दिखाया गया है कि ये बच्चा इस सीन में कैसे बचा, ये लड़की इस सीन में कैसे बची है। तो इस सीरीज में बिना मतलब के कोई भी सीन नहीं है। और भाई लड़कियों से मुझको याद आया कि इस सीरीज में लड़कियाँ इतनी 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 खराब दिखाई है कि बस पूछो मत। इतनी सेल्फिश लड़कियाँ मैंने आज तक नहीं देखी। नहीं तो लड़कियाँ कुछ कुछ होती हैं सेल्फिश, पर इतनी सेल्फिश मैंने आज तक नहीं देखी। एक लड़की है, सामने उसकी दोस्त मरने जा रही है तो वो उसको छोड़ के भग गई, हालांकि बाद में उसकी दोस्त बचाती है और लड़की खुद मर जाती है। गलत बात है ये। और एक लड़की ने तो लड़के को मरवा तक दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मैम के बोलने के बाद, उसके साथ दोस्त के बोलने के बाद भी उसने अपनी गलती नहीं मानी, उल्टा वो वहां से भग गई। और इस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर गुई नाम, उसने तो भाई दिल जीत लिया मेरा सच्ची में। मतलब वो सीरीज का ना मुन्ना भैया था यार, मरता ही नहीं था। कितनी बार तो वो सीरीज में सेकंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर से लगातार गिरा है, फिर भी नहीं मरा। उसके पेट में सदिया घुस जाता है, उसकी आंख निकल जाती है, उसका सर फूट जाता है, फिर भी नहीं मरता। पर उस कैरेक्टर ने मेरा दिल जीत लिया सच में। तो हाँ, जहाँ मैं इसके सीन देख के चौंका, मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। और कुछ लड़कियों को देख के मुझको उनसे गुस्सा भी आया कि ये ऐसा कर क्यों रही है। और कुछ सीन देख के मुझको रोना भी आया, सच में मुझको रोना आया, खासकर एंड में, क्योंकि एंड में जो मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर था जियोंग सान, वो मर गया था। जियोंग सान मुझको इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था, सबसे ज़्यादा मैं सीरीज में उससे कनेक्ट हो पाया था कि हाँ भाई ये बंदा एकदम मेरी तरह, मतलब हर तरीके से नहीं, कुछ कुछ तरीके से। और जब एंड में वो मर जाता है तो सबसे ज़्यादा दुख मुझको उसकी डेथ पे हुआ था। अब चलो मैं बकवास नहीं पेलूंगा। इन शॉर्ट, ये सीरीज़ एक बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, कमाल, धमाल और ऑसम सीरीज़ है जिसको मिस करना बनता ही नहीं है। और अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो अभी कभी जाकर ज़रूर ज़रूर देखना। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इसके 12 एपिसोड हैं पूरे एक एक घंटे के, और कुछ कुछ तो एक घंटे से भी ऊपर के हैं। और ये सीरीज़ इंग्लिश, हिंदी और कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल है। और रुको, थम जाओ, एक बार जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और मुझको बताओ कमेंट में कि अगर ये सीरीज़ देखी है तो कैसी लगी। और जो नीचे वो लाल लाल सा बटन है उसको दबा के ना ग्रे कर दो, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसको जाके फॉलो कर दो। और देखते रहो मूवीवर्स।